हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और मेमोरी डिवाइसेस की, फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लैश ड्राइव की, ठीक है। तो देखिए, फ्लैश ड्राइव क्या होता है। फ्लैश ड्राइव, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पेन ड्राइव भी बोलते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या इसकी जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इट इज़ अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी विद इन एन इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस। यानी कि इसमें फ्लैश ड्राइव में क्या होता है, जैसे आपने पिन ड्राइव, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पिन ड्राइव किस तरह की, इस तरह की आपने देखा होगा। उसके बाद ये अपना इसके अंदर इंटीग्रेटेड रहती है, ठीक है। ये USB पोर्ट रहता है जो कंप्यूटर में लग जाता है, ठीक। तो ए USB फ्लैश ड्राइव इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी। यानी इसमें क्या यूज होता है, इसमें फ्लैश मेमोरी यूज होती है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, विद एन इंटीग्रेटेड फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी USB जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी USB इंटरफेस, ताकि वो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा सके, ठीक है। अच्छा, इनके फीचर क्या होते हैं, ये पहली बात तो रिमूवेबल होती हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ये रीराइटेबल होती हैं। पेन ड्राइव में आप डाटा लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे उसको हटा के दूसरा डाटा आप रीड राइट कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा क्या है कि फिजिकली जो है स्मॉलर इन साइज होती है, स्मॉलर देन फ्लॉपी डिस्क, जो फ्लॉपी डिस्क हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये इसकी ये इसके मेन फीचर होते हैं। और पेन ड्राइव के अलावा भी और भी कई चीजें इसकी जगह पे यूज होती हैं, जैसे एक होता है डेटा स्टिक, ठीक है। उसके बाद है आपका थंब ड्राइव। अब थंब ड्राइव को, इसका नाम थंब ड्राइव इसलिए पड़ा क्योंकि ये आदमी के थंब अंगूठे के साइज का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थंब ड्राइव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक होता है जंप ड्राइव। जंप ड्राइव क्या होता है, ए जंप ड्राइव इज ए पोर्टेबल ड्राइव दैट इज ऑफन द साइज ऑफ योर थंब दैट कनेक्ट्स टू ए कंप्यूटर USB पोर्ट। तो ये जो जंप ड्राइव होता है या थंब ड्राइव है, ये आदमी के अंगूठे के साइज का होता है और ये कंप्यूटर के USB पोर्ट में कनेक्ट हो जाता है, ठीक। अब इनके अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी जैसे पुराने टाइम से लेकर अभी तक, जैसे 256 MB, ठीक है, 512 MB, फिर उसके बाद आपने 1 GB, ठीक है, 4 GB हो गया, 2 GB हो गया, ठीक है, 64 GB हो गया। इस कैपेसिटी की पिन ड्राइव्स आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका फ्लैश ड्राइव। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की, मेमोरी कार्ड, ठीक है। मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड भी आप लोग यूज करते होंगे, आप लोग जानते होंगे। मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेमोरी कार्ड भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ऐसे जैसे मोबाइल में भी आप लगाते हैं या कार्ड होल्डर में लगा के आप लैपटॉप पे यूज करते हैं, कई जगह पे आप यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा होता है, ठीक है, डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। और किस लिए यूज होती है, टू स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो ये मेन काम होता है मेमोरी कार्ड का। अच्छा, उसके बाद मेमोरी कार्ड आप यूज कहाँ पे करते हैं, तो आप लोग सब लोग यूज करते भी होंगे और जानते भी होंगे कि मेमोरी कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन कहाँ पे। आपका पहले तो डिजिटल कैमरा हो गया,
डिजिटल कैमरा, ठीक। फिर मोबाइल फोन में हम सब लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन हो गया। उसके बाद है आपका लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप में यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपके जो ऑडियो प्लेयर होते हैं, MP3 प्लेयर, उसमें यूज होता है, ठीक। एंड एबल टू रिटेन डेटा विदाउट पावर, यानी इसके अंदर जो डेटा मेमोरी कार्ड में जो डेटा स्टोर होता है, जो डेटा स्टोर हो गया, वो पावर अगर आप हटा भी लेंगे, ठीक है, तो भी वो डाटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। मतलब ये रिलायबल स्टोरेज मीडियम है। उसके बाद ए मॉड्यूल इन ए लैपटॉप कंप्यूटर दैट कंटेन्स वॉलेटाइल रैम चिप्स एंड इज यूजर रिप्लेसेबल विद ए मॉडिकम ऑफ मैकेनिकल स्किल, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड बेसिकली क्या होता है, अगर हम नेचर वाइज बात करें तो आप इसको कह सकते हैं बेसिकली दिस इज ए नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक। और द प्राइमरी मेमोरी कार्ड आर, जो इनिशियली मेमोरी कार्ड यूज किए जाते हैं, वो है SD कार्ड, ठीक है। उसके बाद मेमोरी स्टिक, मेमोरी स्टिक्स। उसके बाद है आपका कॉम्पैक्ट फ्लैश, कॉम्पैक्ट फ्लैश, ठीक है। तो ये मेमोरी, अच्छा मेमोरी कार्ड जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा शेप, और मेमोरी कार्ड होल्डर जैसे आप देखे होंगे जब लैपटॉप में आप जब लगाते हैं, तो ऐसे जैसे ये मेमोरी कार्ड होल्डर है, इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड स्टोर कर सकते हैं। इसको होल्ड करा देंगे और ये पूरा होल्डर जो है आप लैपटॉप के अंदर लगा देंगे, ठीक। अब जब फ्लैश मेमोरी कार्ड की बात आती है, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स, ठीक है, इसकी बात आती है, तो Type 2 PC कार्ड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड फ्लैश स्टोरेज फॉर लैपटॉप बट सब्सिक्वेंटली हैव बीन यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क। द Type 2 कार्ड इज शोन हियर फॉर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो Type 2, ठीक है, जो PC कार्ड्स होते हैं वो जनरली मेमोरी कार्ड के लिए यूज होते हैं। इसमें आपके, आप चाहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या क्या आ सकता है। इसमें आते हैं आपका कॉम्पैक्ट फ्लैश, स्मार्ट मीडिया, ये हो गया कार्ड। फिर है आपका मेमोरी स्टिक, जो हम बता चुके हैं आपको, मेमोरी स्टिक। फिर है मल्टीमीडिया कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड। उसके अलावा SD मेमोरी कार्ड, SD मेमोरी कार्ड हो गया, XD मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। और जनरली ये XD कार्ड जो यूज होते हैं, ये किसमें यूज होते हैं, ये यूज होते हैं डिजिटल कैमराज में, ठीक है। और एंड मेनी अदर हैंडी या हैंडहेल्ड डिवाइसेस, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, इसमें XD कार्ड यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ कार्ड और होते हैं, जैसे RSMMCC, RSMMC, ठीक, एंड मिनी SD कार्ड, एंड मिनी SD कार्ड, ठीक है। RSMMC एंड मिनी SD कार्ड्स, ये किस में यूज होते हैं, ये यूज होते हैं आपके सेलफोन में, ठीक है, एंड अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस में, हैंड डिवाइसेस। तो ये डिफरेंट तरह के कार्ड्स यूज होते हैं आज के समय में डेटा स्टोर करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेरी है आपकी, या कुछ कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।